हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आज बढ़िया शानदार जबरदस्त होंगे। कारण है उसका, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। ये सूचनाएं आप तक मिल गई होगी, इसका लंबे चौड़ी बात करना कोई फायदा का नहीं है क्योंकि सूचनाएं मिल गई होंगी, समझ रहे हैं। तो सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है, इसके लिए आपने एक काम करिए, बढ़िया से फिर से लगिए, आप देखिएगा क्या कमी रह गई थी, कौन सा पेपर में किस पार्ट में आपने कितना किया था, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। आप जानते हैं, आपने एग्जाम दिया है, वो कैंसिल हो गया, हटाइए, अब आगे के लिए फिर से एक रीस्टार्ट, नए बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। 6 महीने का टाइम सरकार ने दिया है, उस 6 महीने में इतना बढ़िया से मेहनत कर दीजिए कि आपको क्या हो गया, सफलता जरूर मिले इस जॉब में, समझ रहे हैं, क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा फिर वैकेंसी आने में। और रह गई बात, आज ये वीडियो आपका जो अभी मैं बनाने वाला हूं वो वर्ग एंड वर्गमूल का होगा, और इसमें जो है ना, इस वीडियो में पूरा वर्ग एंड वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। चाहे आप कौनो एग्जाम देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं ये केवल आरआरबी के लिए है, यानी रेलवे के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा दीजिए, चाहे आप एसएससी का दीजिए, और चाहे आप जो है रेलवे का दीजिए, वर्ग एंड वर्गमूल से जो है अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आज समाप्त हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं 100% आपसे कह रहा हूं। तो आइएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि यहां पर लिख देता हूं मैं कि क्या है वर्ग और क्या है वर्गमूल है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा, आप मेहनत करेंगे तभी आपको जो है, आपको भी बॉम्बे में दो दो मकानियां मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। ऐसे नहीं मिलेगा कि बॉम्बे में मकान दो दो चाचर को हो जाएगा। तो बात यह है कि अब हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर वर्ग का मतलब होता क्या है। वर्ग का मतलब यह है ना कि किसी भी नंबर का आपस में दो बार गुणा, किसी भी नंबर का आपस में दो बार गुणा, इतना आप जरूर जानते होंगे। तो जैसे सुनिएगा, अगर आप एक का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, एक होगा, एक ही होगा, छोटा सा बस, ज्यादा नहीं। अगर आप दो का वर्ग करते हैं, दो का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, चार होगा। तीन का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, नौ होगा। अगर चार का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 16 होगा। अगर पांच का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 25 होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। अगर इतना आपको याद है ना, इतना आपको याद है तो आप 1000 तक जो है क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे बड़े आसानी से, ये आप समझ लीजिए, इतना तक याद कर लीजिए। लेकिन देखिएगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को ज्यादा मैक्सिमम याद रहता है, लेकिन अगर इतना तक भी याद रहेगा तो आप ट्रिक से काम चला लेंगे, समझ रहे हैं। तो आइएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ट्रिक अपनाएंगे क्या। ट्रिक हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपका, एकदम छोटे छोटे नंबर से चल रहा हूं, किसी ने बोल दिया कि आप 23 का वर्ग निकाल के बताओ, तो 23 का वर्ग निकालने का मतलब यह है ना कि आप 23 को दो पार्ट में बांट लेंगे। 23 को जैसे ही दो पार्ट में आप बांटेंगे ना, तो ये छोटा छोटा हो जाएगा, एक तरफ 3 हो गया, एक तरफ 2 हो गया। तो आप यहां से स्टार्ट करो, 3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा, लेकिन 9 ना 2 अंकों में चाहिए, तो 2 अंक में बनाने के लिए इस तरफ बाएं तरफ 0 बढ़ा देंगे। किसी को भी 2 अंक में 3 अंक में बदल सकते हैं, बाएं तरफ 0 बढ़ा के, तो 2 अंक में ले लिया इसको। अब ये देखिएगा, और ये आपका कितना है, 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। अब यहां से ये आप ध्यान दीजिएगा, एक तीर को देखिएगा, ये तीर, तीर ना एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, सिर्फ 3 आदमी है, तीनों का आपस में गुणा करना। जैसे देखिएगा, द्वितीय 6, 6 गुना 12, तो एक अंक छोड़ के, जैसे गुणा में छोड़ते हैं, 12 इसमें रखो और क्या कर दो, जोड़ दो, ये कितना होगा, 9 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, यानी 529 का वर्ग कितना होगा, 23 का वर्ग कितना होगा, 529 होगा। आइए एक और सवाल लेके देखता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका कितना है, 58 है, 58 का वर्ग आपको निकालना है, क्या चीज का वर्ग निकालना है, 58 का। तो क्या करेंगे, निकालने का आसान तरीका क्या है कि आप इसे दो पार्ट में बांट लेंगे, दो पार्ट में जैसे ही बांटेंगे तो 8 हो गया, 8 का वर्ग कितना है, 64 है, आप जानते हैं 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा, और ये दो अंक में है, ये दो अंक में है, ये है, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। रह गई बात 25 की, तो 25 का वर्ग कितना होगा, तो सॉरी 5 की, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। अब ये तीर वाला खेला देखिएगा, तीनों का आपस में, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तीन आदमी है, तीनों आदमी का आपस में गुणा करना है, तो 8 × 16, 16×5=80, एक अंक छोड़ के और यहां पे क्या लिख देंगे, 80, और इसी को आप जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये 8×5=13 होगा, और ये 2×1=3 होगा, तो 58 का वर्ग कितना होगा, 33×64 होगा, समझ रहे हैं। आइएगा कुछ और ऐसे ही नंबर लेके आपको मैं दिखाता हूं।
जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है 73 का वर्ग निकाल के दिखाओ, 73 का, अभी जानबूझ कर छोटा छोटा ले रहा हूं, अभी बढ़ा दूंगा, 73 नहीं, थोड़ा सा कुछ और ले लेते हैं। कारण है यहां पे मैं कर देता हूं कितना 79 का वर्ग बताओ, तो दो पार्ट में बांट लेंगे, तो दो पार्ट में जैसे बांटेंगे तो 9 का वर्ग कितना होगा भाई मेरे, 9 का वर्ग 81 होगा, तो 81 मैंने पूरा लिख दिया। 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग 49 होगा, तो 49 लिख दिया। उसके बाद से मैं क्या बोला था, ये तीर लगाइए, तीर, अब तीर ना एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तीनों आदमी का आपस में गुणा कर दीजिए, तो करिए, ये कितना होगा 18, 18 से 126, एक अंक छोड़ के 126 इसमें जोड़ दीजिएगा, 126 जोड़िए एक, और ये कितना होगा 9, 8, 17, 8, 6, 14 के 4 हासिल 1, और 11, 12 के 2 हासिल 1, और ये 5 है तो 6, ये आपका होगा कितना 62 और 41 होगा, ये आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं, ये कितने आप 3, 4, 5 अंकों का रहेगा, सब मैं आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, समझ रहे हैं। तो आइएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 अंक तक है तो काहेला इतना माथा हम खींचेंगे, इतना जगह लेंगे, 2 अंक तक रहेगा हम क्या कर देंगे, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि आप ना एक काम करो 47 का वर्ग बताओ, 47 का क्या बताओ, वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया, तो आप जानते हैं कि 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं, तो 2 पार्ट में बांट दिए, मन में हम कर लिए, अब आप बताओ कि 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 7 का वर्ग कितना होगा, तो 49, 49 के 9, हासिल में रखिए 4, यही वाला तरीका है, लेकिन जगह कम लेगा, मन में भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। अब आप देखिएगा, पहले अब इसके बाद से 7 का हो गया ना, तो अब 4 का करते थे, लेकिन अब की बार 4 का नहीं करेंगे, अब की बार ये तीर वाला खेला करेंगे, 1, 2, 3, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, ये देखिए 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 56, 56 में जोड़ेंगे 4, तो 60, तो 60 के 0 हासिल में लगेगा 6, 60 का 0 हासिल में लगेगा 6, अब बच गया 4, तो 4 का 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 × 6 कितना होता है 22 होगा, ये 22 × 9, 47 का वर्ग कितना होगा 22 × 9 होगा, ये आपका आंसर है, ये पूरा जगह लेगा, उससे बढ़िया क्या पैसे करो, एकदम मन में कर दो। और कोई लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं बता रहा मैं, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab पर आधारित है, प्लीज थोड़ा सा आप शांत रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसी पर काम करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप ये सब इतने में समझ गए होंगे, अब मैं बड़ा बड़ा लेके दिखाता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि बिना मतलब का आके छोटे छोटे नंबर दिखा रहे हैं, आइएगा थोड़ा बड़ा बड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बोल देंगे कि 135 का वर्ग निकाल के बताओ, 100 क्या चीज का निकाल के बताओ, 135 का निकाल के बताओ, मैं कह रहा हूं कि आप ना यहां से इसको बांट दीजिए 2 पार्ट, चाहे जहां से आपको बांटना है बांट सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हम तो बांटेंगे यहीं से, हम कहां से बांटेंगे, यहां से बांटेंगे, तो बांट दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर 1 हो जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। अब सुनिएगा, 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा आपका 25, एक अंक है तो यहां पे 2 अंक में चाहिए, 2 अंक में हो गया। अब सुनिएगा, 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169 होता है, तो 169 लिख दिया। अब ये वाला तीर का खेला देखिएगा कितना होगा, 5 × 10, और 10 में 13 से गुणा करेंगे तो 130 होगा, एक अंक छोड़ के 130 लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 होगा, 2 होगा, 9 और 3 = 12, 7 + 1 = 8, 1 ये होगा। अगर आप यहां से चीरते हैं तब, अब किसी बच्चे ने बोल दिया कि नहीं हम यहां से नहीं चीरेंगे, हम यहां से चीरेंगे, चीर दो, 35 का वर्ग आपको चाहिए, तो 35 का वर्ग कितना होगा, तो कितना होता है आपका 1225 होता है, 35 का वर्ग कितना होता है 1225। तो अब देखो यहां पे 2 अंक है ना, तो यहां पे 4 अंक चाहिए, तो 4 अंक आ भी गया, काम भी हो गया। एक कबर कितना होगा, एक कबर एक ही होगा, अभी तीर वाला खेला चलेगा, तो 35 × 70, 70 × 70, एक अंक नहीं, अब की बार 2 अंक छोड़ना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 2 है ना तो 2 अंक छोड़ोगे, एक था ना तो 1 अंक छोड़ा था, देखिए 1, समझ रहे हैं। अब आपको लिखना है 70, और 70 इसमें जोड़ दो, देखिएगा यही आएगा सेम, 5 और ये कितना है 2, ये कितना है 2, और यहाँ पे कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1, देखिएगा सेम जो ये आया है वो यही है, चाहे जहां से मन करे वहां से चीजें, कोई फायदा मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रहा होगा तो काम कर देना है, आपको काम ये कर देना है कि थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है। आइएगा आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि आपने काम करो ये 189 का वर्ग बताओ, एकदम स्टेप बाई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ,
189 का वर्ग बताओ, कुछ नहीं करना है भाई, आप यहां से का इसको चीर दीजिए, देखिए कहीं से भी चीरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से चीरेंगे तो आपको 89 का वर्ग पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए ये एक 9 का 9 का वर्ग कितना होगा 81, दो एक अंक है तो दो अंक में चाहिए, दो अंक में है ये है। 18 का वर्ग कितना होता है तो 324 होता है, तो 324 लिख दिया। अब ये तीर वाला खेला चलेगा, एक दो तीन, तीन आदमी है, तीनों आदमी का आपस में गुणा करो, तो ये देखो 9 × 18 में 18 से गुणा करेंगे तो 324 से होता है, ये तो आसान हो गया, एक अंक छोड़ के 324 कर दीजिए, अजोड़ दीजिए, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे छह है तो 7 होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा, यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं। किसी बच्चे ने बोल दिया आप और बड़ा लेके दिखाओ, चलो कोई बात नहीं, मैं ले लिया 533 ले लिया, 533 ले लिया, 533 का वर्ग हमें बताना, कुछ नहीं करना, यहां से मैं कर दे रहा हूं, यहां से मैं कर दे रहा हूं, तो ये कितना होगा, तो ये आपका 09 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग तो 9 में होता है, लेकिन हम 09 इसलिए क्योंकि दो अंक में लेना है, मैं बोला था दो अंक में। देखिए हो सकता है कि थोड़ा तेजी हो जा रहा होगा, तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि आप जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा एक दिमाग में ना वो हो गया है, दिक्कत है, समझ रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आता है, पढ़ाने लगता हूं तो कुछ बुझे भी नहीं करता है। तो आप यहां देखिए, अब आपका बच गया है क्या चीज, 53, तो 53 का वर्ग चाहिए, तो 53 का वर्ग जानते हैं कितना होगा आपका, 25 × 3 = 28 और ये कितना होगा 9, 28 × 09 होगा, तो ये आप 28 × 09 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये 53 का वर्ग, आपको भी बताऊंगा कैसे मैं निकाला। अब यहां से देखिएगा, ये गुणा करना है इसका, तीनों का गुणा करना, तो ये कितना होगा, 2 × 3 = 6, 6 एक अंक छोड़ के, 6 × 3 = 18 के 8 हासिल में लगेगा, 6 × 5 = 30, 1 = 31, तो यहाँ जोड़ दीजिए, ये देखिएगा 9 होगा, ये 8 होगा, ये 0 होगा, 3 × 1 = 4 होगा, ये 8 होगा और ये 2 होगा, यही आपका आंसर है। अगर 553 का वर्ग निकालेंगे तो यही होगा, 533, और कोई नंबर ले लीजिए, किसी ने बोला कि आप ना 799 का निकाल के बताओ, 799 का वर्ग निकाल के बताओ, अरे यार मैं याद नहीं किया हूं, इतना कौन याद करेगा यार, दिमाग लगाया हूं, आप भी माथा लगाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब आपका ये कितना हो गया, ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दूंगा मैं ना ऐसे ना चीर के, मैं जानबूझ के ऐसे ना चीरता हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं कैसे चीरता हूँ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब की बार मैं यहां से चीरूंगा, यहां से तो एक ये बनेगा, अब एक ये बनेगा, दो पार्ट। अब 99 का वर्ग ना मुझे पता है क्योंकि मेरे पास जादू है, और वो जादू आपको भी आज दे के जाऊंगा मैं, तो 99 का कितना होगा, 98 = 1 होता है, 98 = 0 कितना होता है, 1 होता है। और ये रह गई बात 7 की, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ध्यान रहे यहाँ पर दो अंक है, यहाँ पर दो अंक है भाई मेरे, तो यहाँ पे 4 अंक होना चाहिए, और 4 अंक में है ये है तो बढ़िया है, नहीं रहता तो कुछ जुगाड़ लगाते। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर आइएगा, ये गुणा करते हैं तीनों का, तो यहाँ पे देखिएगा कितना होगा, 99 × 2 = 200 कर दीजिए, 200 में 2 को कम कर दीजिए, 198 होगा, 198 साते करना है, तो एक और दो अंक छोड़ देना है, 198 है, मन में गुणा कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, 7 × 8 = 56 के 6 हासिल में लगेगा 5, 19 × 7 = 133 और 5 = 138 लिख दीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 0 = 1 और ये 8 × 6 = 14 के 4 हासिल में लगेगा 1, 9 × 17 = 18 के 8 हासिल में लगेगा 1, और ये कितना है भाई मेरे, 12 × 13 = 3 हासिल में लगेगा 1, और ये 5 होगा तो 6, ये आपका आंसर है। चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, 7 × 7 = 49, 49 का मतलब कितना होगा, कट गया तो 14 × 14 का मतलब 5, तो ये 9 और ये 5 नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं गलती हो रहा है क्या, थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं, 99 का 1 कम है तो 98 और 0 = 1 ये तो ठीक है, 7 × 7 = 49 ठीक है, और उसके बाद से ये 9 × 2 = 18 = 8, 18 × 1 = 19 ये तो ठीक है, 7 से गुणा करिए, 7 × 8 = 56 के 6 हासिल में लगेगा 5, 19 × 7 = 133 ना होता है जी, 19 × 7 = 133 और 5 जुड़ेगा तो 138 लिखा हूँ, 2 अंक छोड़ के 0 × 8 × 6 = 14 के 4 से 9 × 7 = 18 के 8 हासिल, 9 × 3 = 12 = 13 और 5 × 1 = 6 ठीक है, ठीक है। तो ये और भी कोई ले सकते हैं, 4 अंक में भी जा सकते हैं आप, 5 अंक में जाओ, 10 अंक में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। किसी ने बोल दिया कि एक काम करो आप ना 1512 का आप वर्ग निकाल के बताओ, अब 4 अंकों में ले लिया कोई कितने अंकों में ले लिया, 4 अंकों में लेके कह रहा है कि आप बताओ, तो 1512 है, कुछ मत करो यार, यहां से बांट दो, यहीं से बांटेंगे तो फायदा होगा, फायदा घाटा भी तो समझ में आना चाहिए कि कहां से करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे तो हमको लाभ होगा, समझ रहे ना, वो रास्ता वो मत पकड़ लीजिएगा, समझ रहे ना, जिस गली में वो रहता है तो नुकसान हो सकता है। देखिए ये आपका कितना होगा, 42 है ना, तो 42 का कितना होगा आप जानते, सॉरी 12 ना है जी, 42 थोड़े नहीं 12 है, अब 12 का कितना होगा 144, तो 144 में लिख दिया,
दोगुण है ना, तो चार अंक में चाहिए तो चार अंक में ले लिया, ठीक है। अभी देखिए 15 का कितना होता है भाई मेरे, 225 होता है, तो 225 लिख दिया। अब खेला चलेगा तीर वाला, तो करो ये देखो 12 में 15 से गुणा करते हैं ना तो 180 होता है, ठीक है। 180 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा। तो ये अब जोड़ दो इसको, ये कितना होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 6 होगा, और ये 8 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, यही आपका आंसर है, आप चेक करके देख लें। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, जो लेना है ले लीजिए, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप घर पे बैठिए ये नियम लगाइएगा, 110% कह रहा हूं कि आप ये कोई सवाल अगर रेलवे के एग्जाम में बैठेंगे तो एक प्रश्न इससे आएगा, एकदम लिख के मैं कह रहा हूं। दो बार तीन बार मैं बैठा हूं, दोनों तीनों बार में आपको बता, आपने एक बार बुक उठा के देख लीजिए, एक बार आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, रेलवे के प्रश्न में वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल से एक क्वेश्चन लिख के आएगा, लिखित है वो, लिख लीजिए कहीं पत्थर की लकीर पे। तो मान लीजिए नहीं भी आता है ना, तो ये कोई प्रोसेस में आ जाएगा, जैसे आप पढ़ेंगे ना क्या बोलते हैं, साधारण व्यय चक्रवृद्धि व्यय पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला बात तो ये है, ये सब कैलकुलेशन है। तो आपका जो है ये आपका 4 अंकों तक भी चला गया, कोई और किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ऑफलाइन में तो मैं बोल देता हूं, जो आपको बोलना है आप बोल दीजिए, मैं आपको सामने निकाल के दिखाऊंगा, समझ रहे ना। ना ही मेरे पास कोई कंप्यूटर है ना कुछ ना, मतलब बस अपने से ही कर रहा हूं, आप समझ रहे हो, छोड़िए सब। और आप क्या करते, कोई नंबर और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि आप 25, और आपने काम करिए कुछ ले लीजिए और ऐसे ही क्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 37 आप ले लीजिए, और इसका आप वर्ग निकाल के बताओ, ये वाला वर्ग निकल कर, लंबा लंबा तो हो ही रहा है। अब आप क्या करेंगे कि इसे दो पार्ट में बांटेंगे, अब आपको ना 25 का और 37 का वर्ग पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा ना तो फिर ये वाला ट्रिक आप अपनाओगे, ये वाला ट्रिक लगाओगे, कहा गया ये वाला, फिर उसमें बांटोगे दो पार्ट में अलग अलग, तो लेकिन इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 37 का करेंगे ना, तो 37 का वर्ग होता है 13, 6, 9, 2 अंक में है ना तो 4 अंक में चाहिए, तो 4 अंक में ये है। 25 का वर्ग तो सभी जानता है कितना होता है, 625 होता है। अब आपको चाहिए इनका गुणा, तीनों का क्या चीज, गुणा, तीन आदमी ना हो गया, देखो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तो तीनों का आपस में गुणा। तो एक काम करो, 25 × 50 कर लिया 50, ये कर लिया 37, तो 37 × 5 शायद 175 होता है, ठीक है। 15 नहीं, गलती हो रहा है क्या, 35 × 5 175 होता है, 0 × 5 = 35, हासिल में लगेगा 3, और ये 15 × 3 = 18, 185 होता है। तो आप ना दो अंक छोड़ दो और लिख दो कितना, आप 50 लिखो पहले और फिर 18 लिखो, इसी को जोड़ दो, तो ये कितना है, 9, 6, 3, 6, 3 और 4, और ये रहा 6, ये आपका आंसर, समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा, इसके बाद थोड़ा सा आगे आइएगा, ये बात बुझा रहा है ना जी, बात बुझा रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, एकदम रिक्वेस्ट है, और बढ़िया लग जाए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आप कर ही देना है, बढ़िया लगे तो ही करिएगा। तो आइएगा नेक्स्ट में, अब सुनिएगा क्या सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हो गया एक जनरल चीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये चीजों की जरूरत, अगर मतलब नहीं भी, ये वाला तो जानना एकदम जरूरी है जो अभी मैंने बताया, लेकिन कभी कभी आसान भी कर देंगे कैसे, तो सुनिएगा, जैसे सुनिएगा, अगर किसी ने बोल दिया कि 5 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 15 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि 25 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया 35 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया 45 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप ना 55 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 65 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोला 75 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोला कि 85 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोला 95 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोला 105 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि 115 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया 125 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि 135 का वर्ग बताओ, 145 का वर्ग बताओ, मतलब बहुत बोला है वो, जो किसी ने जो कह रहा है बार बार वो बहुत बोल दिया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोई बोलता ही रहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, सुने हैं ना गाना, आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25, यही खेला सब में चलेगा, ये 5 है ना तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, आई 2 बच, 1 बचा है ना तो 1 से जो भी यहाँ पे रहेगा जो बचा हुआ है उसे 1 एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 1 है ना तो 2 कर लीजिए, 1 अधिक लेना है, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 होगा, हो गया। अब इधर आइएगा, 5 है ना तो कितना होगा 25 होगा, और 2 है तो 1 अधिक ले लीजिए, 2 से 1 अधिक जितना भी रहेगा उसे 1 अधिक, तो 3, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6, ये 625 होगा 25 का वर्ग।
अब इधर आइएगा, 25 है ना, 25, 5 ना है तो कितना लिखेंगे, 25, और ये कितना है, 3 ना, तो यहां 4 ले लीजिए, एक एक्स्ट्रा लेना है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये चढ़ती है 12 हो जाएगा। अब सुनिएगा, आप समझ गए होंगे तो देखिएगा कितना होगा, ये आपका कितना होगा, 25 होगा, और ये 4 है ना तो 5 होगा, तो 5 चौके 20 होगा, हो गया। बस कब तक सीखेंगे, अब करिए भी। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 है ना तो 25 होगा, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना वो सब में इकाई स्थान पे 5 है, तो सब जिस इकाई स्थान पे 5 रहेगा उसका खेल ऐसे ही खेलेंगे तबे मजा आएगा। अब लगेंगे दो पार्ट में चीरने, जब तक चीरते रहेंगे ना तब तक कोई पोस्टमार्टम करके निकल जाएगा, आंसर दे के निकल जाएगा, समझ रहे हैं। अभी 9 है तो 9 से एगो अधिका 10, 9 दहैया 90, तो 90 लिख दीजिए। अभी देखिए 5 है तो कितना होगा भाई मेरे, 25 होगा। अब यहां पे 8 है तो 9 ले लो, एक एक्स्ट्रा तो कितना होगा, 9 8 72 होगा। अभी देखो कितना होगा, 25 होगा, और ये देखो कितना होगा, यहाँ पे 8 है 7 है ना तो 8 ले लो, 8 7 कितना होगा, 56 होगा, ठीक है। ये 5 है ना तो 25 लिखो, और 6 है तो 7, और 6 7 42, तो ये आपका हो जाएगा। ये देखो 25 होगा और 5 6 30 होगा। अब यहां से आ जाओ, ये देखो ये 5 है ना भाई मेरे, तो 25, और बच गया 10, तो 10 से एगो अधिका 11, और दोनों का गुणा 11 दहिया 110। अब देखो 5 है ना तो कितना होगा भाई मेरे, 25, अब बच गया 11, तो 11 से एगो अधिका 12, और दोनों का आपस में गुणा, तो 12 11 100 कितना होता है, 32 होता है। अब आइएगा सुनिएगा, अब यहां पे देखिए 5 है इकाई स्थान पे तो 25, अब 12 है तो 12 है तो एगो अधिका 13 ले लीजिए, अब 12 13 करेंगे तो 156 होता है, तो 156 लिख दीजिए। अभी देखिएगा 5 है तो कितना होगा, 25 होगा। अभी देखिएगा 13 है ना तो यहाँ पे 14 कर लीजिए, और 13 14 कितना होता है, 182 होता है, तो 182 लिख दीजिए। अब ये आपके लिए HW है, लंबा चौड़ा लिख के आप करते रहिएगा, बात समझ रहे हैं। तो इतना मैंने बताया आपको 100% समझ में आया होगा। तो वीडियो बढ़िया लगे तो भाई जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा, अच्छा बुरा दोनों रिस्पांस हो सकता है। और सुनिएगा, कोई धुरंधर है विद्यार्थी है, आराम से कोई विद्यार्थी है जो भी है धुरंधर, वो कह रहे हैं कि बच्चा सभी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बहुत बढ़िया आप कमेंट किए हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत बढ़िया आप किए हैं, लेकिन मैं शुरू में ही बोला था कि सकल सूरत पे जाएंगे तो धोखा हमेशा खाइएगा, समझ रहे ना, कि क्योंकि कभी कभी खूबसूरत चीज भी बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान में ना पढ़ाई लिखाई में ना सकल सूरत पे नहीं जाना है। सकल सूरत पे जब जब जाएंगे तो मेरे यहाँ तो धोखा आप जरूर खाएंगे, एकदम 100%। कोई भाई है पीछे वीडियो पे जो है कमेंट किए हैं, तो उनको कमेंट का जो है एकदम 110% स्वागत किया गया है, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है, उनको मैं बच्चा लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या बात है, नेक्स्ट अब बात क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये वाली बात भी जानते रहेंगे ना तो बड़ा आपको बढ़िया लगेगा कि 50 के आसपास की संख्या का वर्ग, 50 के आसपास की संख्या का वर्ग अगर निकालना हो, 50 के आसपास मतलब क्या, सुनिएगा, 50 के थोड़ा सा नजदीक या 50 से थोड़ा दूर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा जाएंगे तो भुगतान आपको भुगतना होगा। जैसे मैं मान लीजिए किसी ने बोलिया 48 का वर्ग बताओ, 48 का ही क्योंकि 50 के नजदीक है, किसी ने आपसे बोल दिया कि 52 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि 56 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया 46 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोला जैसे कि मान लीजिए कि आप ना 37 का वर्ग बताओ, 37 है 34 लिख दिया, 34 लिखा गया तो 34 हो गई, ऐसे कोई बोल दिया, किसी ने आपसे बोल दिया कि आपने 66 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया आप 72 का वर्ग बताओ, लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना आपको नुकसान होगा, उतना आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो आइएगा हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हो जाएगा, सब पे काम करेगा, लेकिन ज्यादा जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, 50 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 2500। इस 2500 में से आप एक काम करो, इस 25 को केवल पकड़ लो, 25 को ना हाथ में इसे पकड़ लो मुट्ठी में और दिमाग में रखे रहो। अब आप यहां पर आ जाइएगा, ध्यान लगाइएगा कि 48 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है, तो दो कम है, तो इस 25 में से दो कम करिएगा, तो 25 में से दो कम करेंगे तो भाई मेरे कितना होगा, 23। अब दो ही में कम है तो दो का वर्ग कितना होगा, 4, दो अंक में लिखना है, ध्यान रहे, ओके हो गया। पीछे में एक बार यूज किया था
तो वह इसी तरीके से यूज किया था। अब सुनिएगा, यहां पे देखिएगा 52 है तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 2 ज्यादा है, तो इसमें 25 में 2 जोड़ दीजिए। अगर 50 से कम होगा तो 25 में से घटाएंगे, अब 50 से अधिका होगा तो 25 में जोड़ेंगे, तो ये अधिका है तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा। अब 2 का वर्ग 4, ध्यान रहे दो अंकों में लिखना है, ध्यान रहे दो अंकों में लिखना है। ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 50 से, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 होगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 हो गया। बुझाया? अब आइएगा, कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में से 4 कम करिए 21 होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, 21 और 16 का आंसर हो गया। आइएगा, कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 16 कम हो रहा है ना 50 से, 4 40 16, 16 कम हो रहा है, अब इसमें से आप 16 घटाइएगा तो 16 घटाएंगे तो 9 होगा, 16 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। इसीलिए बोला था कि ज्यादा दूर करेंगे तो जोड़ने और घटाने में आपको परेशानी हो सकती है, तो आपका कितना होगा 9 होगा। अब कितना कम है 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256, तो 256 के ना 56 केवल लिखाएगा, और 2 इसमें आके हासिल हो जाएगा, तो 11 और 56 यानी 34 का वर्ग कितना होगा 1156 हासिल जाकर उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां 2 ही अंक में चाहिए और 256 में 3 अंक है, तो ये 56 लिख लो, ये वाला हासिल बना दो, हासिल बना के बगल वाले के पास सरका दो। अब ये देखिएगा, ये 72 है तो ये कितना ज्यादा है, तो 22 ज्यादा है, तो इसमें 22 जोड़ोगे तो कितना होगा 37 होगा। अब 22 का वर्ग, 22 ज्यादा है तो 22 का वर्ग करोगे तो 484 होगा, तो 484 के है 84 लिखोगे, लेकिन ये वाला 4 इसमें आकर हासिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो हासिल होगा ना, तो इसमें 41 और ये 84, ये वाला कट हो जाएगा, हासिल इसमें जुड़ेगा तो 37 4 41 होगा। अब इसको देखो कितना ज्यादा है, तो कहेंगे कि ये 16 ज्यादा है तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 एक कितना होगा 4 होगा, 16 जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 16 जोड़ दिए, 16 ज्यादा था, तो अब 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, अब ये वाला इसमें आ जाएगा, हासिल ये बन गया ना, तो ये 43 और ये 56। भाई मेरे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी, आप ना सुनिए, आप ऐसे मत करो कि नहीं नहीं ऐसे ही करना है, ये क्या बता रहे हैं, कई को बता दिया, अरे भाई कई को नहीं बताए हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 6 का 36 होगा, फिर यहाँ भी 6 6 का 36 होगा, और ये देखिए 6 6 का 36 दूनी 72 होगा, एक अंक छोड़ के 72 इसमें जोड़ दो, तो 6 ये 5 और 7 13 का 3 और 3 1 4 यही बात ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा आसान हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, थोड़ा जोड़ घटा के दिमाग में कर लेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कैसे, चलो 53 का बताओ, अच्छा 53 तो 25 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि 50 से 3 अधिक है, 28 28 09 ऐसे कर देंगे, आप पेन उठाने की जरूरत नहीं। किसी ने बोल दिया कि आप 57 का बताओ, अच्छा 7 ज्यादा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 होगा, और 7 का वर्ग 32 49 होगा, हो गया, ऐसे करेंगे। अब अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे एक बार और, ठीक है। अब हम लोग लेंगे क्या चीज, अब हम लोग लेंगे 100 के आसपास, 100 के आसपास आसपास की संख्या, संख्या का वर्ग हम लोग करेंगे 100 के आसपास। 100 के आसपास मतलब क्या, 100 के आसपास मतलब 100 से थोड़ा कम, 100 से थोड़ा ज्यादा, यही तो, थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आपको दिक्कत होगी, बस ज्यादा कम करेंगे तब वो दिक्कत होगा, ज्यादा ज्यादा करेंगे तब वो दिक्कत होगा। जैसे में 98 का किसी ने बोल दिया वर्ग बताओ, किसी ने बोल दिया कि 103 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है 88 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 112 का वर्ग बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 138 का वर्ग बताओ, कोई कुछ बोल देगा, लेकिन माथा ठीक रहेगा ना, भूसा नहीं भरा होगा तो आराम से कर लेंगे कैसे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, ये ध्यान दो कि कितना 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 को कम है, 2 तो 2 को इसी में से घटाइए, तो 2 घटाएंगे तो 96 होगा, और जय को कम है उतना का वर्ग, लेकिन ध्यान रहे दो अंकों, 100 से कितना कम है 2, तो 2 इसमें से कम कर दिया, 2 इसमें से कम कर दिया, और 2 का वर्ग 4 होगा, 2 अंकों में लिख दिया, हो गया। अब यहां पे 100 से कितना ज्यादा है, कम रहेगा तो कम करेंगे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करेंगे, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 इसी में जोड़ दो तो 106 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 2 अंकों में चाहिए, 2 अंक बना लिए। 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो इसी में से 12 कम करिएगा तो कितना होगा 76 होगा,
12 कम कर दी। अब 12 का वर्ग चाहिए तो 12 का वर्ग कितना चाहिए, 144 होता है, दो अंकों में चाहिए, ये वाला हासिल बन जाएगा तो 77-44 होगा, 77-44 होगा, ये वाला कट हो जाएगा, ये रियल आंसर होगा, हासिल बनेगा ना, तीसरा पे जाएगा तो हासिल बन जाएगा। अब देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 12 ज्यादा है तो 12 इसमें जोड़ दो तो 124 होगा। अब 12 का वर्ग 144 होता है, अब ये हासिल इसमें जोड़ दोगे तो कितना होगा, 125 और 44 होगा, बस खत्म। अगर कोई बोल दिया कि 38 तो 38 इसमें जोड़ोगे तो 38 गुना 176 होता है, 176 हो जाएगा, मतलब 38 और 76 होता है तो 176 कर दिया। अब सुनिए 38 ज्यादा था तो 38 इसी में जोड़ दिया, 38 का वर्ग 1444 होता है तो दूसरे अंक में चाहिए तो 1444 तो मैं लिख दिया, लेकिन 14 को हासिल इसमें आके जुड़ेगा तो 14 हासिल इसमें जोड़ेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो अब कैसे होगा, 44 6 4 10 के 0 हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा, 8 है ना तो 9 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी चीज को ऐसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह ये तो सब जगह काम करता है। 64 होगा, 2 अंक में चाहिए 2 और ये कितना है, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 लिख दिया, ये गुणा कर दीजिए तो 13 गुणा 26 26 अट्ठा कितना होता है, 208, ये कर दीजिए और 208 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 4 14 के 4 9 1 10 ठीक है, और 10 8 1 9 1 हो गया 19 0 44, समझ रहे हैं। तो ये अगर बात आप जान गए हैं तो पूरा आपका खेला खत्म हो गया है, पूरा आपका वर्ग का खेला खत्म। एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या को ना भाई मेरे एकदम नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या को, क्या चीज को, संख्या को टेढ़ा हो रहा है क्या जी, कोई बात नहीं आप देख लीजिए, चलो बेटा कर देता हूं सीधा लिख देता हूं कि किसी भी, बस एक सेकंड का और है, कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर जीरो, मतलब अकेला जीरो, ध्यान रहे अकेला लिख देता हूं, अकेला 0 2 3 और 7 2 3 7 8 नहीं आता है, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 सिंगल जीरो, अकेला एगो जीरो कभी नहीं आएगा, तो इससे आपको ना वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो बोलिएगा, वर्गमूल का एक 10 मिनट का और वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कमेंट आप मेरे भाई जरूर करिएगा, जैसे कोई मेरे मित्र हैं जो भी मेरे जूनियर होंगे जो भी है वो उन्होंने कमेंट किया है, मैं जानता नहीं हूं उनको कि लेकिन बहुत मेरे को अच्छा लगा कि उनको जैसा लगा उन्होंने कमेंट किया है, आप भी जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।